नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश का सियासी घमासान लगातार कई दिनों से अपने चरम स्थिति पर है, लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वह ये है कि सियासी घमासान अभी भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से शुरू हुई यह एक राजनीतिक बहस एक बड़ा नजरिया अख्तियार कर रही है, और ऐसे में जनता का नजरिया, जनता का क्या कहना है इन मुद्दों के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सिंधिया के साथ अन्य 22 विधायक भी बीजेपी की ओर जाने का रुख कर सकते हैं, जिन्हें बैंगलोर में पिछले कुछ दिनों से लगातार ठहराया गया है। और कई बार ऐसी बातें उठी कि वो भोपाल लौट सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अंतिम समय में जाने की स्थितियों का सामना हुआ और जिसके बाद वो भोपाल नहीं लौटे। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही यह भी कहा गया कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक सीआरपीएफ की सुरक्षा उन्हें नहीं मुहैया कराई जाएगी, तब तक वो प्रदेश नहीं लौटेंगे। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक ही सिंधिया जी को नेता मान करके वहाँ ठहरे हुए हैं, जिसके ऊपर किसी भी दूसरे राजनीतिक व्यक्ति का कोई भी दबाव नहीं है। इन नेताओं के साथ ही राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ के अंतर्गत आने वाली सुरखी विधानसभा क्रमांक 37 से विधायक भी हैं, बेंगलोर में ठहरे हुए हैं। सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैसी ने राहतगढ़ के कुछ लोगों से जाना कि आखिर सिंधिया जी का बीजेपी में जाना या फिर गोविंद सिंह राजपूत, जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर विधायक बने थे और जिन्हें क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के चिन्ह पर जिता करके सदन भेजा था और सदन में उन्हें राजस्व एवं परिवहन मंत्रालय का प्रभार दिया गया था, क्या उनके द्वारा किया गया है निर्णय सही है या फिर यह जनता के साथ सीधा धोखा है। इस मुद्दे को लेकर के सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैसी ने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं वो बातचीत और देखते हैं कि क्या कहना है सुरखी विधानसभा के राहतगढ़ के लोगों का सिंधिया के बीजेपी में जाने की बात हो या फिर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयानों की, जो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नंदकिशोर भारती, कांग्रेस कार्यकर्ता हूं मैं, और मैं 1992 से कांग्रेस से जुड़ा हूं। मेरी पत्नी श्रीमती सीता नंदकिशोर भारती कांग्रेस की 2009 से 2019 तक पार्षद रही इंदिरा गांधी वार्ड 15 से। जैसे कि सिंधिया जी के साथ क्षेत्रीय विधायक गोविंद सिंह राजपूत जी राजनीति करते थे, हाँ। और आज उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आप गोविंद सिंह राजपूत जी के साथ कांधे से कांधा लगाकर राजनीति करते थे, तो स्वाभाविक बात है कि आप भी पार्टी बीजेपी ज्वाइन करेंगी। नहीं, ऐसा नहीं हूँ। मैं श्री गोविंद सिंह राजपूत का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं पार्टी का एक वो सिपाही हूँ कि मैं अपने बलिदान भी दे दूंगा, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। गोविंद सिंह हमारे नेता रहे हैं, हमारे मंत्री रहे हैं। इस क्षेत्र को वो मंत्री मिला था जो जुझारू मंत्री था, जिसके साथ सारे कार्यकर्ता जुड़े थे, लेकिन श्री गोविंद सिंह जी राजपूत जो सिंधिया जी के वजह से चले गए, जो गलत है। हम तो उनके साथ नहीं है, हम तो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस साथ रहेंगे। गोविंद सिंह को सुरखी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से तो पूछना चाहिए था, जो भाजपा से लड़कर उनके मुंह से वोट खींचकर आपको लाए और आप यहाँ से चुनाव जीते, जो भाजपा के नेता थे जिनने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आज वो हर बार आपकी आलोचना करते थे। ऐसे जो कई नेता हैं जो आपसे रूट कर बीजेपी में गए थे, जिसमें सुधीर यादव पूर्व मंडी अध्यक्ष, श्रीमती पारुल साहू जो यहाँ की विधायक रही, जो कांग्रेस के उनके पिताजी संतोष साहू थे वो भी गए, राजेंद्र सिंह मुकलपुर वो भी गए, कांग्रेस बीजेपी में चले गए जी। ये भी तो एक अंतुष्ट है, संतुष्ट असंतुष्ट है जो लोग आज कांग्रेस से रूट कर बीजेपी में चले गए थे। हम क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं, आप लोग जो कांग्रेस से जाके बीजेपी में जाते हैं उनको ही आप विधायक का चुनाव क्यों लड़ाते हैं? जैसे कि आपने भी जैसे आगामी चुनाव में कार्यकर्ता के रूप में बहुत ज्यादा मेहनत की, उसमें से एक ऐसे कार्यकर्ता आप भी हैं जो कि आपने खुद का खर्च और खुद की मेहनत से मंत्री जी को जिताया, आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं, तो आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
हम तो ये छलावा समझते हैं, एक कार्यकर्ताओं के साथ छलावा हुआ है, बड़ा दुख है, ऐसी पीड़ा है, ना तो सो पा रहा है ना खा पा रहा है। हम ऐसी संकट की घड़ी में हैं कि जो हमें गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे क्षेत्रीय विधायक अच्छे मंत्री थे, अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं, जो छोड़कर चले गए, बड़ा दुख है। आज हमें तो ऐसा है जो हमारे घर में कोई गमी हो गई हो, हमें बड़ा दुख है। माननीय सिंधिया जी को भी नहीं छोड़कर जाना चाहिए थे, 22 विधायक थे, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह की सरकार की ईंट की बजा देते, आज वह प्रदेश अध्यक्ष बनते, आगामी वह उनको मुख्यमंत्री बनना था, ये तय था, लेकिन उनको पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए थी। माननीय गोविंद सिंह भैया को भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए थी, माननीय सिंधिया जी को भी उनको समझाना चाहिए था, लेकिन वह उनको नहीं समझा पाए और वह भाजपा के बहकाव में चले गए। भाजपा ऐसी पार्टी है जो छल कपट करके सत्ता हासिल करना चाहती है, जो उसकी सत्ता कभी पूरी नहीं होगी, ना उसके आदमी लोग लालच में बाइक खरीदना चाहती है। आज हमारे प्रदेश के 22 विधायकों को बेंगलुरु में गिरने पे करके रखा है भाजपा ने, कितना षड्यंत्र करती है भाजपा, उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे और आगामी हमारी कांग्रेस सरकार फिर बनेगी। जो सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से कैसा विकास रहेगा, तेजी गति से चलेगा या और धीमी गति से हो जाएगा? देखिए, सिंधिया जी एक महान नेता हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं, एक ऊर्जावान नेता रहे हैं, ये हम मानते हैं। उन्होंने अच्छी मेहनत की कांग्रेस में और मध्य प्रदेश में, उनकी भी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, ये मानते हैं। अच्छे नेता थे, अच्छी मेहनत की, अच्छे ऊर्जावान नेता थे। आगामी हम लोग कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते, प्रदेश अध्यक्ष बनते, सत्ता उनके हाथ में रहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पार्टी छोड़ दी तो इस क्षेत्र का कार्यकर्ता छोड़ देगा, इस प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता छोड़ देगा, बीजेपी में ना कोई है ना रहेगा। आगामी कमलनाथ सरकार फिर सत्ता में आएगी, फिर जीतेगी, भाजपा कभी नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और हर समाज की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस है, जो हर वर्ग को लेकर चलती, हर धर्म वर्ग को लेकर चलती है। और आगामी कमलनाथ जी के हाथ पूरा प्रदेश, पूरा किसान, पूरे मजबूत करेगा। जैसे कि अभी मंत्री के यहाँ होली मिलन समारोह था, आप लोग गए थे क्या? नहीं, यहाँ राजगढ़ नगर के और ग्रामीण क्षेत्र के जो वरिष्ठ नेता थे, जो उनके घनिष्ठ संबंध थे, शायद उनको ही बुलाया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया। शायद मुझे इसे नहीं बुलाया गया कि मैं कड़वा सच बोलता हूँ, मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, अनुसूचित जाति वर्ग का हूँ, ना लोभ ना लालच, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जान भी चली जाए पार्टी नहीं छोड़ता। मैं तो मुंह पे बात करने वाला कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं वहाँ जाता तो मंच में मैं कह देता, इसलिए मुझे वहाँ पर नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया कोई बात नहीं, उनका निजी कार्यक्रम था, उनके लिए रंग पंचमी की और होली की बहुत बहुत बधाई। और जो गए हैं होली मिलन में, शायद उनकी कोई मजबूरी हो, उनकी कोई दुकानदारी हो, कोई व्यापार हो, कोई टेंडर हो, शायद परिवार से गए हों। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गए हैं तो वो कागज हैं भाजपा में चले गए। राजगढ़ नगर के ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग कांग्रेस के नेता और जनता, सारे लोग कांग्रेस में रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी रहेगा, सारे लोग कांग्रेस का काम करेंगे और कांग्रेस को सुर्खी विधानसभा से करीब 30,000 वोटों से जिताएंगे, क्योंकि सारी योजनाएं माननीय कमलनाथ जी ने 14 महीने में वो करके दिखाया है। जो 15 साल भाजपा के शिवराज सिंह जी चौहान रहे, उनने कोई भी काम नहीं किया, जनता को उल्लू बनाया। इस प्रदेश की जनता से, सुर्खी क्षेत्र की जनता से, सागर जिले की जनता से, आप देखिए 14 महीने में जो हमारे वृद्ध थे, जिनको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 150 रुपये पेंशन देते थे, लेकिन माननीय कमलनाथ जी के आते ही सीधे 600 रुपये की, और आज वो 1,000 पेंशन मिलना प्रारंभ होने वाली है। 15 साल भाजपा की सत्ता रही, 1 रुपया का किसी का कर्जा माफ हुआ क्या बताइए? किसी का 1 रुपया की नहीं। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कमलनाथ जी ने किया है। प्रदेश में 15 साल भाजपा रही, हिंदुत्व के नाम पर लूटती रही, एक भी मध्य प्रदेश, एक भी गौशाला का निर्माण करी हो बताइए? आज प्रदेश में
कितनी गौशाला का निर्माण चल रहा है, जो आज हमारी गौशालाएं आवारा घूमती थी उनके लिए माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। जो कांग्रेस एक हिंदुत्व पे चलती है, हिंदुत्व की रक्षा करती है, जहां जहां राम गए, जहां जहां सीता गए, वहां उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं। आज और क्या चाहिए बताइए। में जाने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम उनके बारे में यही कहेंगे कि आगामी चुनाव में वह कितने ही बड़े बहुबली हों, कितने भी वो हों, वह चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि 14 महीना में माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने वह लाभ पहुंचाया है जो जनता सत्य पर, न्याय पर, धर्म पर, सत्य पर कांग्रेस को वोट देगी। अच्छा, जिन विधायकों को जनता ने कांग्रेस का जानकर चुना था, उन विधायकों का पार्टी बदलना जनता के लिए साथ धोखा नहीं है क्या? सरिया सर धोखा है, गद्दारी है, असत्य है, और असत्य में उनको आगामी उपचुनाव में मौखिक खाना पड़ेगी। वह लोग हारेंगे, कितना ही कुछ भी हो जाए, जनता उनको जवाब देगी। तो कमलनाथ जी की योजना है, उनको लाभ मिलेगी। आज मध्य प्रदेश में 15 साल भाजपा रही, पिछड़ी जाति को 14% आरक्षण दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। बिजली बिल भाजपा सरकार 2000 देती थी, 500 देती थी, 5000 देती, कमलनाथ जी 50 रुपया का बिल, 100 रुपया का बिल, 99 कांग्रेस को वोट देगी ये जनता, न्याय नीति धर्म को वोट देगी जनता। इतने वर्षों से तक ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, यूपीए सरकार में केंद्र मंत्री के पद पे भी थे, ऐसे में उनका ये कहना है कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, कितना उचित है उनका ये कहना? नहीं, माननीय ज्योतिराव सिंधिया जी का कहना गलत है। उनके लिए क्या सम्मान चाहिए थे? वो सोनिया गांधी जी के बेटे थे, राहुल जी के भाई थे। नई युवा पीढ़ी जब चुनाव बने, पहली बार ही सांसद बने, उनको माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने उनको तत्काल मंत्री बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, युवा राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, आज पूरे देश का मंत्री नेता थे वो। उनको नहीं जाना चाहिए था कहीं मान सम्मान की? तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में माननीय शिवराज सिंह ने एक भाषण में कहा है कि भीषण हमारे नेता को, राष्ट्रीय नेता को माननीय ज्योतिराव सिंधिया ने भीषण कहा, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? कमलनाथ सरकार के 5 अच्छे कार्य बताएं, 5 अच्छे कार्य। प्रदेश में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया, आज जो गरीब थे जिनका 2000 बिलाता था, आज उनका 50 रुपये 100 रुपये बिला रहा है। वृद्धा पेंशन जो 150 थी, जो भाजपा सरकार 15 साल तक 150 रुपये देती रही, माननीय कमलनाथ जी 300 से 600 की, और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, मध्य प्रदेश में गौशाला का निर्माण किया। क्या शिवराज सिंह के आने से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा क्या? माननीय शिवराज सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, सत्ता हथियाने के लिए ऐसे छटपटा रहे हैं, पूरा कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पूरे संविधान की सद्दियां उड़ा रहे हैं। उनकी समस्या, वो 15 साल रहे इस प्रदेश में, किसानों का 1 रुपया का कर्जा माफ नहीं किया, उनकी कोई समस्या ना वो हल करी थी ना करेंगे। भाजपा के लोग उल्लू बनाते हैं, 15 साल उल्लू बनाया, पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, सारा पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, सारा लोग, सारी जनता कांग्रेस को वोट करेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। लोग ज्योतिराव सिंधिया पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम गद्दारी की तो नहीं कह सकते हैं, अब जो इतिहास में लिखा है जनता वही कहेगी, हम तो नहीं कहेंगे कि उनने गद्दारी की है। अब इतिहास यदि कहता है कि उनके परदादा ने अंग्रेजों से मिले थे, तो शायद किताबों में लिखा है, तो उसके आधार पर बोल रहे हैं, हम तो नहीं कह सकते। हम तो उनके प्रशंसक थे, अच्छे नेता थे भी, हम तो उन पर गद्दारी का आरोप नहीं लगा सकते। ये दुनिया, ये देश, ये प्रदेश, ये देश की जनता और 15 साल भाजपा के लोग उन्हीं को कहते रहे गद्दार। जय भान जी पवैया, कुछ लोग झा
शिवराज सिंह जी चौहान, नरोत्तम जी मिश्रा, पंडित गोपाल भार्गव जी, अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी का आरोप लगाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम इस पर यह कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गद्दारी का आरोप शुरू से लगाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे कांग्रेस में, जब से भाजपा के नेता हैं पूर्वों ने उन्हें ही गद्दारी कहा और इतिहास में भी लिखा है। ये हम नहीं कह रहे कि उनने गद्दारी की, हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार नहीं है, ना उनका परिवार है, लेकिन भाजपा के लोगों ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार, इनके पूर्वजों ने जो रानी लक्ष्मीबाई को मिलकर अंग्रेजों से मिलकर मरवाया था, जो भाजपा के नेता परमाचा भी कह चुके हैं और क्या कहते हैं जयभान पवैया भी कह चुके हैं, शिवराज सिंह जी चौहान भी कह चुके हैं, नरत सारा भाजपा मंडल पूरा प्रदेश का पूरे देश का सभी लोग गद्दार कहते हैं। हम नहीं कहते, कांग्रेस पार्टी नहीं कहती, वो हमारे नेता रहे हैं, ऊर्जावान नेता हैं। जैसे कि पंद्रह महीने क्षेत्रीय विधायक, राजस्व एवं परिवहन मंत्री रहे, तो 15 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कैसा उनका कार्य रहा? कार्यकाल उनका ये रहा कि कार्यकर्ताओं को कार्यकाल उनका अच्छा रहा, हवा हवा में रहा उनका कार्यक्रम। जो बड़े बड़े लोग थे, जो संपन्न लोग थे, उनका कार्यक्रम उनका अच्छा रहा। छोटे कार्यकर्ताओं की तरफ उनने देखा ही नहीं, उनने कुछ कहा डांट दिया, उनने कहा कार्यकर्ताओं ने कहा भैया हमारे ये काम है भोपाल आ जाओ, भैया सागर आ जाओ, वहाँ पहुँचे। अब उनके इतने काम हैं, उनके इतने बड़े बड़े नेता हैं कि छोटे कार्यकर्ताओं कोई काम कर ही नहीं पाए। वो मतलब छोटे कार्यकर्ताओं की उन्होंने सुनी नहीं? नहीं नहीं सुनी उनके, छोटे कार्यकर्ताओं की उन्हें कभी नहीं सुन पाए, ना उनको तवज्जो दी। नेता अच्छे हैं इस देश, यहाँ क्षेत्र में 2 से 3 बार शायद चुनाव जीत चुके। हम तो उनके 98 में जब वो हारे थे हमें बड़ा दुख था, हमने रोटी नहीं खाई थी 2 दिन। राजपूत जी को यहाँ की जनता ने काफी भारी बहुमत से विजय बनाया था और आज वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने सुरखी क्षेत्र को गलत समझा और गलत जनता को धोखा दिया है जो बीजेपी में पहुँचे हैं। जनता उन्होंने बहुत खफा है, नाराज है, और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा अब वो अगले इलेक्शन में नहीं जीत पाएंगे। जिताया था और आज वो पार्टी छोड़कर इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ज्वाइन करने का उनका मतलब लगभग तय है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तय कहा चले गएंगे, जनता को छुतिया बना कर, जनता का करे, जनता ने तो वोट दे दी, तुम जीते 22,000 से जीते, 22,000 के अलावा लोगों ने आशा करी कि भाई जब जे सरकार अपनी बनी है और अपन वचन पत्र अपन ने इन दाव है, वो वचन पत्र के अलावा अपन ने बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के वोटर अपन ने कांग्रेस में ज्वाइंट करे और लोगों ने हिकमत से जिताओ 22,000 से, और एक बाद में तुम मंत्री बने, 2 पद मिले तुम्हें, परिवहन मंत्री, राजस्व विभाग मंत्री, एक बाद में तुम्हें मंत्री के पद मिले, सब कुछ मिले, फिर तुम कहाँ चले गए होते? मैंने जनता को तुम चुतिया बना गए, अब दोबारा हमारे भैया थोड़ी तुम्हारे संग जे हैं, हम तो जहाँ हैं उतर रहे हैं और जहाँ हमें वोट देने हैं उतर दे हैं और हम तो कार्यकर्ता हैं। कौन सी पार्टी का सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस को। जो विधायक कांग्रेस से जीत कर बीजेपी में जाने वाले उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कायम कर रहा हूँ कि सपोर्ट कहूँ, सपोर्ट तो ठीक है, अरे उनको तो बहुत मतलब गलत तरीके से हरा हो जाए, जनता तो खूब खा रहेगी। ज्योतिराव सिंधिया के बीजेपी में जाने से आप संतुष्ट हैं या नाराज? ये तो दल बदलू है, उनको परिवार खानदान शुरू से दल बदलू चलवा रहा है, जनता को कहां दल बदलू कर रहा है, जनता तो कांग्रेस में, कांग्रेस ही वोट दे। तो अब मध्य प्रदेश में कौन की सरकार देखना चाहेंगे? भाई कमलनाथ ही देखे अपन, तो कमलनाथ ही देखे अपन, गलत नहीं देखो, न्याय को साथ ही है कमलनाथ, गलत को साथ ही नहीं है, सारी बात समझ में कोई हमें चुरकटे आई तो हो नहीं रही, वोटर है वो तो जहाँ हैं उतर रहे हैं, इनके जावे से का हो रहा है? अरे दूसरों खड़ा हुई सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस से, अपन हिकमत से मेहनत करें, तन से मेहनत, धन से मेहनत, मन से मेहनत। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये